हेलो दोस्तों, चलिए बनाते हैं केले का तंदूरी मसालेदार सब्जी। बहुत ही मज़ेदार बनता है और केले की सब्जी थोड़ी सी निगलेक्टेड है। ये हम तभी खाते हैं जब किसी को लूज मोशन होता है। तो आज मैं जिस तरीके से केले की सब्जी बनाने वाली हूँ वो आप शौकिया खाएंगे और मांग मांग कर खाएंगे, उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें बहुत ही फ्रेश और टेंडर कच्चा केला ले लेना होगा। आप देख ही रहे हैं ये कितना अच्छा और सही है। जितना अच्छा केला होगा उतना ही अच्छा आपका तंदूरी सिकाई होगी इसकी। तो सबसे पहले इसे हमको छील लेना है और छीलने में भी ये ध्यान रखना है कि ना बहुत ज़्यादा छील देना है और ना कम छीलना है, इस तरह से। अगर थोड़ा बहुत हरा पार्ट इसमें रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से छीलने के बाद एक इंच का हमें टुकड़ा बना लेना है और फिर इसे पानी में डालकर आधा चम्मच नमक डालकर 10 मिनट तक इसे फूलने देना है ताकि इसका कस निकल जाए, यानी जो इसमें कसैलापन है वो निकल जाए। देखिए इस तरह से हमने इसका टुकड़ा कर लिया है। एक बड़े बर्तन में 2 टेबल स्पून गाढ़ा दही ले लें और जो पानी इस तरह से निकल जाए उसे हमें हटा देना है। तो यहाँ पर हमने मसाले निकाले हैं। तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर है और 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। यहाँ पर 1/4 टीस्पून हमने अमचूर पाउडर लिया है, स्वाद के अनुसार नमक है जो कि 1/2 टीस्पून है। तो इन मसालों को हमें मिला लेना है। तो मसाले को हमें अब दही में डाल देना है, अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि एक पेस्ट तैयार हो जाए। ये धुला हुआ केला का टुकड़ा है तो इसे मैंने छान लिया है। यहाँ पर ये थोड़ा सा सावधानी रखें कि केले को इस तरह से दबाकर कपड़े से या किचन टॉवल से पोंछ लें ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए और दही में डालने के बाद ये ज़्यादा पानी ना छोड़े। इस तरह से अच्छी तरह से मैंने लपेट लिया है और इसे फिर से 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रहने देने वाले हैं। तो इसे यहाँ छोड़ देते हैं। लोहे के एक थिक पैन को मैंने गरम किया है। पैन नहीं बल्कि ये एक तवा है जो कि हमारा डोसा तवा है, उसे मैंने गरम किया और इस पर मैंने अजवाइन डाला है। अजवाइन बहुत ही अच्छा डाइजेशन कराता है और केला थोड़ा भारी होता है इसलिए इसको डालने से फ़ायदा होता है। तो अब इस केले को यहाँ पर डाल देना है और इसे फैला देना है। आँच धीमी रखनी है, मैंने तवा गरम कर लिया है और अब मैंने आँच को धीमा कर दिया है। इसको तलने में जल्दी नहीं करना है, थोड़ा वक्त लगेगा। इसे तवा पर खुला सेकना है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं अब दोनों तरफ से केला थोड़ा ब्राउन हो गया है और इसका पानी सूख चुका है और किनारे से तेल चमक रहा है। एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करके हम इसमें लौंग, दालचीनी और काजू का थोड़ा सा तड़का लगाते हैं और हल्का सा गरम होने पर हम वो मसाला इसमें डालेंगे जिसका पेस्ट हमें बनाना है। तो यहाँ पर हमने प्याज, मिर्च, टमाटर, लहसुन, अदरक ये पेस्ट बनाने के लिए लिया है। इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब मसाले को हमने अच्छी तरह से तल लिया है, इसे मैंने तेज फ्लेम पर पकाया है ताकि ये गले नहीं, बस इसमें थोड़ा ब्राउन कलर आ जाए और इसका पानी सूख जाए ताकि तंदूरी मसाले का जो एक सोंधा टेस्ट होता है मसाले में तो वो आए। तो अब हम इन चीज़ों को उसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने पाउडर मसाला निकाला था और इसको ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट बना लेना है। अब एक थिक बॉटम कढ़ाही में 4 टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम किया है और उसमें
थोड़ा सा स्याह जीरा डाला है। एक प्याज को, बड़ी सी प्याज को मैंने आमलेट के प्याज की तरह से चॉप किया है, वही इसमें डाल देना है। अब प्याज हमारी पसंद के मुताबिक पक चुका है, इसे यहीं पर रोक लेना है, ज़्यादा लाल नहीं करना। और वो मसाला जो हमने तल कर निकाला था, जिसकी पेस्ट बनानी थी, वो यहाँ पर डाल देना है। आप देख सकते हैं, ये हमारा तंदूरी केले के लिए मसाला है। यहाँ पर मैंने 6-7 काजू भी डाला है, आपने नोटिस किया होगा। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए 3 से 4 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक मसाले के लिए डाल रही हूँ, लगभग 1/2 टीस्पून। लगभग 7-8 मिनट से मसाले को मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ, और अब आप देख रहे हैं कि तेल सेपरेट हो रहा है। यहाँ पर मैंने अभी थोड़ा सा फ्लेम को तेज किया है। इसी तरह से भूनते हुए इसमें खास मज़ा आ जाता है। तो अब इसमें पानी डालने का वक्त आ चुका है, तो हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 1/2 कप या 100 ml कह सकते हैं। अच्छी तरह से इसको चला लेना है। और अब यहाँ पर हम केला डालेंगे। आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेका हुआ ब्राउन कलर का ये केला है। तो इससे हम मसाले में डाल देते हैं, और अब मसाले के साथ ये लगभग 5-6 मिनट तक पकता रहेगा। यहाँ पर फ्लेम को धीमा कर देना है और कढ़ाई को ढक देना है, और धीमी आंच पर इसे दम पर 5 से 7 मिनट तक गलने देना है। तो दोस्तों, इस तरह से कच्चे केले की तंदूरी सब्जी आप जरूर ट्राई करें। इस तरह से अगर आप एक बार केले को बनाएंगे तो फिर बार बार इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी, यमी, और सबसे बात है बहुत कम वक्त में ये बन जाता है। सीजनल और लोकल सब्जी है, तो इसे खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं। तो बनाएं, खाएं और खिलाएं, और अगर पसंद आए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।